स्पीकर साहब धन्यवाद तुहाडा बहुत बहुत। तुसी किसानी दे तिना बिलों ते बोलण दा मौका दिता, फार्मर दा जिहड़ा एग्रीमेंट ऑन प्राइस इंश्योरेंस एंड फार्मर सर्विस ते ऑर्डिनेंस 2020 लैके आए हैं। मैं इसका बहुत वड्डे तरीके दे नाल विरोध करदा हां। अज करोना की महामारी दे विच जिथे किसान ने सारे देश नूं अन्न दिता, किसान दे वल्लों भंडार किया अन्न 80 करोड़ लोगों नूं खवाया गया, अज वो किसान सड़कों के उत्ते रुलिया फिरदा आ। करोना महामारी के नाल ते किसान भावें ना मरे पर तुहाडी इन्हां बिलों की महामारी के नाल किसान जरूर मरेगा। ये गल अज तुसी नोट करके लै जो, किसान दीआं जथेबंदियां सड़कों के उत्ते उतरियां ने, किसान की हालात तुसी एग्रीमेंट करन दी गल करदे जे 100 साल पहला चंपारण सत्याग्रह जिहड़ा महात्मा गांधी जी ने किसानों के हक च शुरू किया सी, नथू राम गौड़से दे जिहनूं पूजन वाले लोग सुन लैण, इन्हां दी पार्टी उदों देश की आजादी दे विच कोई हिस्सा नहीं सी पाया, मुढ बन्निआ सी किसानां दे नाल, नील जिहड़ा पैदा करदे सी किसान सर अंग्रेजी कंपनियां ने फैक्ट्रियां वालिआं दे नाल मिल के किसानां ते शोषण किया, ते महात्मा गांधी जी दी अगवाई दे विच वड्डे अंदोलन किया गया। वह किसान जिन्हें 80% आजादी दे विच हिस्सा पाया होवे पिंडां दे लोकां ने, जिन्हां ने 80% अनाज पैदा करके देश का अन्न भंडार भरिया होवे, जिन्हां ने 47 तो पहला एक सुपना वेख्या होवे चंगे भारत का, अज उस किसान दे हाथ दे विच एग्रीमेंट दे नां दे नाल ठूठा फड़ाउण जा रही है ये BJP सरकार। मैं इस बिल की कोर विरोधता करदा हां। ये वो किसान है जिन्हों तुसी एग्रीमेंट करना चाहते जे 42.4% खेती उत्पादों के नाल लोगों का टिड भरता है, चाहे घरेलू उत्पादन खेती दे विच इहदा हिस्सा 16% है पर 50% तो वध लोगों नूं रुजगार दिंदा है। ये किसान की हालत यही है, समय ने किसान दे नाल साथ नहीं दिता। 3-4 रुपये मजदूरी होंगी जी 70-71 दे विच, वो 300-400-500 रुपया हो गई है, 100 गुणा वाधा हो गया। 150 रुपये महीना लैन वाला नौकरशाह 26,000 लैन लग गया, 175 गुणा वाधा हो गया। सोना 200 रुपये तोले तो लैके 50,000 रुपये तोला हो गया, 250 गुणा वाधा होया। तो किसान जिहदी कणक 75 रुपये विकदी सी सिर्फ 1925 रुपये 25 गुण वाधे नाल गुजारा कर रहा। मैं कहना चाहुंदा ए वो किसान आ जिहदे पुत बार्डर दे उत्ते तुहाडी सुरक्षा करदे आ, जिहड़े कारपोरेटां नूं तुसीं वेचना चाहुंदे जे हिंदुस्तान नूं, वो अज तां अपना व्यापार कर पा रहा क्योंकि किसान का पुत बार्डर दे उत्ते बैठा आ, किसान का पुत फौजां दे विच अपना सीस दे रहा आ। इस करके उस किसान की आवाज़ जरूर सुनी जानी चाहिए है। ये मारू एग्रीमेंट जड़े है ये अनपढ़ किसान, वो किसान जिहड़ा अपनियां धीआं करजे लैके विहुंदा आ, वो किसान जिहड़ा ट्रैक्टर करजे ते लैंदा आ, जिहड़ा खेती दे संद करजे ते लैंदा आ, उहदा मुकाबला किहदे नाल कराउण जा रहे जे? उहदा मुकाबला तुसीं विजय माल्या दे नाल, ललित मोदी वर्गे आ, संजय भंडारी वर्गे जिहड़े इहनां दी पुश्त पणाई दे हेठ बैंकां दा कर्जा मार के भज गए, कोई एग्रीमेंट कोई काम नहीं आया, तुसीं उहनां नाल मुकाबला करना चाहुंदे। माफ़ करना मैं स्पीकर साहब, मैनूं 2 मिनट जरूर चाहीदे आ। अज ये मगरमच्छ दे अथरू बहाउण आ गए आ बादल साहब, ये गल कर रहे आ किसान दी। ये 25 एकड़ तो हज़ारां बसां दा फलीट इहनां ने बनाया, इन्हां दे 5-स्टार होटल, ये किसान की गल करनगे। इन्हां किसान दे जिहदे नाल एग्रीमेंट करना चाहुंदे जे, उन्हां नूं जो 80 ते 90 दे दहाके तो लैके किसानां दीआं लाशां ते राजनीति करनी चाहुंदे, स्पीकर साहब प्लीज़ मैनूं 2 मिनट जरूर दिओ, किसान सड़कां दे उत्ते उहदी गल रखण दा मौका जरूर दिओ मैनूं। मैं कहना चाहुंदा हां पाणीआं दा मुद्दा, अज किसान हरी क्रांति दे नां दे उत्ते पंजाब दे कोलों लखां टन अनाज पैदा करा के पंजाब का पानी धान की खेती करके मुक गया, अज किसान 15 लाख ट्यूबल ला के बंजर हो गया, हरियाणे के नाल साडे पंगे पए आ। आ नीति घाड़े नीति जोग वाले इत्थे बह के फैसले कर देंदे आ, उन्हां नूं पुछो साडे पानी दरियावां दे सानू दे दिओ, सानू तुहाडियां सबसिडियां की लोड़ नहीं बिजली दे उत्ते, किसान बिजली का बिल कित्थों दवे करजाई होया किसान। मैं कहना चाहुंदा हां आप जी नूं कि ये जिहड़े हालात इत्थे पैदा होए ने प्राइवेट कंपनियां दे नाल, बादल साहब ने समझौते किए थे, इन्हां नूं पुछ लो बिजली दे एग्रीमेंट होए सी, अज तक असीं उन्हां तो महंगे भाव वाली बिजली खरीदण लई मजबूर है। गन्ने दीआं फैक्ट्रियां वालिआं दी गल कर लो, गन्ना दीआं मिलां वालिआं ने पहलों पर्ची दिंदे आ
किसान लाइन च लगता है अपनी मर्जी के नाल कट लाते हैं तो फिर सालाबंदी उन्होंने पेमेंट नहीं होती। स्पीकर साहब ये बिल तुहाडे किसे काम नहीं आने, इन्हां दे किसे राज सरकार का कंट्रोल नहीं हैगा। पंजाब दे कैप्टन अमरिंदर सिंह ने भावें पंजाब दे पानियां दी गल होवे तद इस्तीफा दिता, खेती दे विरुद्ध बिल लैके आए, पंजाब दे पानियां दे विरुद्ध बिल लैके आए, अज कैप्टन अमरिंदर सिंह दी गल करदे ने इत्थे बैठे। मैं कहना चाहुंदा माफ करना प्लीज 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 कंक्लूड कर रहा। यह बीजेपी सरकार जिन्हें गुजरात दे विच किसान साडा उजाड़िया, यह खेती बाड़ी दे मैं दसना चाहुंदा सर कोई किसान है जिहदे नाल तुसीं एग्रीमेंट करना चाहुंदे जे जिन्हें 2009-4 दे विच 4.2% ग्रोथ दित्ती ते अज बीजेपी वेले 2004 दे विच 2.5% ग्रोथ रह गई है। ट्रैक्टरां दा GST इहदे ते, संदां दा GST इहदे ते, महंगे भाअ दीआं खरीदां इहनां नूं मिलणा ते किसान जावे ते जावे कित्थे? कोई जवाब ते दिओ, तुसीं सानूं तैयार नहीं जे, कोई उहनां नाल गल करन नूं तैयार नहीं गा। अज तुसीं UPA गौरमेंट की गल करदे जे, चाहे 75,000 करोड़ के करजे माफ किए, चाहे कैप्टन अमरिंदर सिंह ने करजे माफ किए। माफ करना सर, मैं कंक्लूड कर जा रहा, मैं पता है मेरे को टाइम घट है, पर रोना साडा कौन रहूगा जे असीं नहीं सुनांगे। मैं दसना चाहुंदा है MSP की तुसीं गल करदे जे, जो एग्रीमेंट हो गए प्राइवेट मंडियां सैट हो गई, MSP रहूगी कित्थे? जिहड़ियां स्टेटां दे विच MSP नहीं लागू उत्थे अपने तजर्बे तुसीं कर सकते जे। मैं कहना चाहुंदा तुहाडे राज स्पीकर साहब माफ करना, एक मिनट की गल है, मैं गल मुका रहा अपनी। मैं कहना चाहना किसान का कुल कर्जा माफ किया जाए, MSP नूं एग्रीमेंट दे विच लैके आंदा जाए ताकि स्वामीनाथन रिपोर्ट भी लागू की जाए। तो मैं इस बिल का कोर विरोध करदा।